कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो फिल्म बनाया था। समस्या यह थी कि ग्राम सभा के अनुमति के बिना विभिन्न बालू घाटों से बालू का परिचालन हो रहा था और उसके बाद सरकार ने किसी निजी कंपनी को बालू का ठेका दे दिया था। तो हम लोगों ने बोला कि बालू घाट से 150-200 लेबर रोजी रोटी करता था, वो लोग चलन का इंतजाम व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग कहीं पलायन करेंगे। इस तरह की बात को बताने पर डीसी कहता है कि जाने दो, खूंटी जिला में कोई गरीब नहीं है। हमारे गांव के लोग भूखे प्यासे मरते हैं और रांची महानगरों में रहने वाले लोग हमारे यहां से बालू ले जाके लाखों रुपए में बेचते हैं, जबकि हम ग्राम सभा बालू का मालिक है और हमें उसका एक भी मूल्य नहीं मिलता है। वीडियो फिल्म बनाया और कई लोगों को दिखाया और कई अधिकारियों को भी दिखाया। उसके बाद बहुत से लोग जागरूक हुए और बालू घाट की नीलामी की बात अखबारों के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से जब लोगों को जानकारी में हुई तो उन्होंने इसका घोर विरोध किया। और बहुत विरोध के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इस वैकल्पिक व्यवस्था में बालू घाट का संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया है। बालू का परिचालन के लिए मुखिया चलान काटेंगे। अम्मा पंचायत के मुखिया श्री बिरसा जी ने चलान छपवाया और गाड़ियों का निबंधन कराया और अब वे अपने बालू घाट से बालू का परिचालन करवा रहे हैं, जिससे उनका पंचायत का आर्थिक विकास हो रहा है। एक ट्रैक्टर में आप कितना चलान करते हैं? एक ट्रैक्टर में 300-1900। बालू घाट के बारे में खनन विभाग से बीते साल जाकर के हम लोग बातचीत किया और उसके बारे में संचालन करने के लिए हम आवेदन भी बनाया और उसमें खनन पदाधिकारी से अनुशंसा भी मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया था। लेकिन अबर इन साल ग्राम सभा को दिया गया है और उसको संचालन करने हेतु हम भी प्रयासरत हैं। ग्राम पंचायत के लिए 80% और खनन विभाग को 20% दिया जाना है। पहले समस्या था कि यहाँ पर टेंडर हुआ था लेकिन चलान नहीं था। वो जो टेंडर लिया था वो लोग भी चलान के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया। रांची में कहाँ से ला के चलान काटता था और यहाँ से हम लोग को थाना में जाके देना पड़ता था, थाना थाना देना पड़ता था, तब हम लोग गाड़ी रांची पहुँचता था। बालू का परिचालन तो हम लोग मुखिया के द्वारा कर रहे हैं, वो चलान दे रहे हैं हम लोग को। पहले तो इधर एक तरफ से खाली गाड़ी जाता था और उधर से आता था, तो कुछ बचत भी नहीं होता था और लेबर का भी नहीं बचता था, ड्राइवर का भी नहीं, मालिक का भी नहीं। अब लेबर दोनों साइड से लेबर का बच जा रहा है, मालिक का भी बच रहा है। अच्छा ही महसूस हो रहा है क्योंकि अपना ही गांव का, अपना ही पंचायत के अंदर जो संपदा है उस संपदा को देख रेख करने के लिए अधिकार मिला है और उस अधिकार को मिलने के बाद जो भी यहाँ जो रकम जमा हो रहा है वो गांव के विकास और पंचायत के विकास के लिए। उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बालू घाट का संचालन करने के लिए बदलाव लाने में हमारा सहयोग किया है। उन तमाम संस्था संगठन और एसोसिएशन को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दबाव देकर सरकार को झुकाया और बालू घाट का परिचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया। मैं अमित टोपनो, खूंटी जिला से, इंडिया नट के लिए।